हाय स्टूडेंट्स, आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा एचएससी मीन्स आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। प्लस आज का जो है आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले एग्जाम में करने हैं, रेडी करने हैं। अगर आपको कुछ भी अभी तक इकोनॉमिक्स में स्टडी करके नहीं हुआ तो सबसे फर्स्ट जो मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा वो क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। फर्स्ट आपको सबसे फर्स्ट क्या करना है, लॉ ऑफ डिमांड विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, फर्स्ट क्वेश्चन ये लेना है। सेकेंड, लॉ ऑफ डीएमयू विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन, एंड नेक्स्ट लॉ ऑफ सप्लाई विथ अजम्पशन एंड एक्सेप्शन। मीन्स आपको तीनों लॉ का अजम्पशन और एक्सेप्शन के साथ में कंटेंट के साथ में आपको क्या करना है, तीनों लॉ कर लेना है। इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, एटलीस्ट मैं आपको मार्क्स बता रहा हूँ कि 12 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। एक लॉ विथ अजम्पशन या फिर एक्सेप्शन आपको पूछा जा सकता है 8 मार्क्स का, मीन्स कंपलसरी क्वेश्चन है, जिसमें से लॉ ऑफ डिमांड एंड डीएमयू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में रखा है। सप्लाई इंपॉर्टेंट कम रहता है, चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं आने के लिए, इसको लास्ट में रखा है। मीन्स आपको सबसे पहले डिमांड एंड डीएमयू विथ अजम्पशन एक्सेप्शन के साथ में बाद में सप्लाई करना है। तो क्या रहेगा आपका, एक इसमें से 8 तो लॉन्ग आंसर आएगा, प्लस आपका एक 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या फिर आपको एग्री या फिर डिसएग्री में मींस दिया रहेगा। तो आपका क्या रहेगा, 12 मार्क्स मिनिमम बता रहा हूँ कि तीनों लॉ आपने किया तो 12 मार्क्स आपका फिक्स हो जाता है। उसके बाद जो क्वेश्चन, मीन्स तीनों लॉ के बाद जो क्वेश्चन आपको सबसे फर्स्ट करना है, एक्सप्लेन प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ये करना है। 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस आते हैं प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, 4 मार्क्स का भी आता है, 8 मार्क्स का भी आता है। 8 मार्क्स में रहेगा तो आपको कंटेंट के साथ करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपको क्या करना है, ये करना है तीनों लॉ विथ अजम्पशन एक्सेप्शन के साथ में, के बाद प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट करने का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने आपको क्वेश्चन क्यों बोला, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिलेशन लॉ ऑफ डिमांड मीन्स डीएमयू के साथ में रहेगा क्वेश्चन का डिमांड। तो इससे होगा क्या कि आपका इसमें क्या करना है, रिलेशन करना है। मीन्स आपका जहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा वहाँ पे टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग पार्ट आ जाता है। इसका एडवांटेज क्या मिलता है आपको, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिस्टिंग यूज भी पूछा जाता है, वहाँ पे एडवांटेज हो जाएगा, या फिर डिफाइन और एक्सप्लेन हो जाएगा, वो भी आप इसी में कवर कर सकते हो। मीन्स ये भी आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है या फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन, बट जो चांसेस रहते हैं आपके 4 मार्क्स में ज़्यादा रहते हैं क्वेश्चन के चांसेस। नेक्स्ट मीन्स फिफ्थ क्वेश्चन आपको ये करना है। अब आपको जो कंपलसरी क्वेश्चन बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आप सबसे पहला कर दो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल मैनेजमेंट, कॉमर्शियल मैनेजमेंट का यहाँ पे सॉरी कॉमर्शियल बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन रहेगा। अब इसमें आप देखोगे दो फंक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। इसका मैं बता रहा हूँ एक क्वेश्चन कंपलसरी है 4 मार्क्स का मिनिमम, मैं बता रहा हूँ 4 मार्क्स का। अदरवाइज क्या होता है आपको एग्जाम में 4-4 मार्क्स के दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक आपका गिव रीजन मीन्स एग्री एंड डिसएग्री में रहेगा, एक आपका डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स रहता है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपका, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, अदरवाइज सेकेंडरी फंक्शन ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। अब प्राइमरी फंक्शन में आपके क्या है, दो पार्ट है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट या फिर लोन्स एंड एडवांसेस। तो आपको एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी करके आ जाता है क्वेश्चन, मीन्स फंक्शन आपने अगर अच्छे से क्लियर कर लिया तो आपको उसी के कंटेंट पूछे जाएंगे। और ये कंपलसरी क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इसका एक क्वेश्चन आना बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट फिक्स है, इसलिए फंक्शन जो कॉमर्शियल बैंक का है आप क्या करो, रेडी कर लो। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ द मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। ये आपका लॉन्ग आंसर का क्वेश्चन है, अगर आपको लॉन्ग आंसर में नहीं पूछता तो इसका भी कोई तीन मेथड में से एक मेथड आपके एग्जाम में 4 मार्क्स के मीन्स शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, तो ये कवर हो जाएगा। मीन्स क्या करो, पासिंग वाले क्या करो, पहले तीनों लॉ विद मीन्स अजम्पशन एक्सेप्शन के बाद पहला प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि इस साल आने के चांसेस इसके 8 मार्क्स के ज्यादा हैं। उसके बाद पहले आपको क्या करना है, फंक्शन रेडी कर लेना है, क्योंकि फंक्शन का क्वेश्चन आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट है, मीन्स आएगा ही आएगा। तो आप यहाँ पे लॉन्ग आंसर के हिसाब से देखोगे तो इसका मार्क्स मैंने बता दिया शॉर्ट नोट्स में क्या हो जाता है, कवर हो जाता है, ठीक है। देन बात करते हैं लास्ट शॉर्ट नोट्स की, बात करते हैं तो शॉर्ट नोट्स में आप पे मैंने 15 शॉर्ट नोट्स को रखा है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आपको कौन सा शॉर्ट नोट्स कवर करना है, ये दो शॉर्ट नोट्स, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपका क्या रहता है, कंपलसरी दिया गया रहता है, मीन्स क्वेश्चन एक क्वेश्चन एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक का, इसमें से भी आपको क्या करता है, एक क्वेश्चन देगा माइक्रो एंड मैक्रो का, अगर ये नहीं रहेगा तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैंने ऐड किया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो, मीन्स रहता है दोनों के फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने पहले उनको ऊपर रखा है, सब्जेक्ट मैटर देन उसके बाद करना है, फीचर्स के बाद सब्जेक्ट मैटर। सपोज आपका इतना सिलेबस नहीं कवर हो रहा है तो आप क्या करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग कर लो एंड फीचर्स का सिर्फ पॉइंट्स भी अगर आप लिखते हो तो भी आपको इजीली मींस
मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, मार्केट तक का टॉपिक लेना है। कौन से मार्केट, चारों मार्केट, फीचर्स ऑफ मोनोपोली, टाइप्स ऑफ मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली। तो चार में से क्या रहता है, एक क्वेश्चन आपको आता है जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मैंने बता दिया जैसे कि आपका पूरा कंटेंट एटलीस्ट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करो, मीनिंग एंड पॉइंट्स रेडी कर लो। सिर्फ मीनिंग एंड पॉइंट्स से भी आपको क्या रहेगा, इजिली मार्क्स वहाँ पे स्कोर हो जाएगा। इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। नेक्स्ट हमारा क्या रहता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये आपका 90% क्वेश्चन जो रहता है वो फिक्स रहता है, कहाँ पे आपके एग्री एंड डिसएग्री में क्वेश्चन में पूछा जाता है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ का डिमांड का क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के, एग्री एंड डिसएग्री पार्ट में रहता है। अदर जो क्वेश्चन मैंने रखे हैं, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, इतने क्वेश्चंस मैंने रखे जो, लेकिन मैंने फिर से लास्ट टाइम बता देता हूं आपको कौन कौन से क्वेश्चन को पहले करना है। पहला फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा विद अजम्पशन एंड एक्सेप्शन हो जाएगा, लॉ ऑफ डीएमयू विद अजम्पशन एक्सेप्शन हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई विद अजम्पशन एक्सेप्शन। ये मिनिमम मैंने बता दिया 12 मार्क्स का वेट लेकर चलेगा, कंपलसरी 12 मार्क्स आपको क्या हो जाएगा, इसमें कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, फंक्शन 4 मार्क्स का कंपलसरी, कोई एक फंक्शन का एटलीस्ट 4 मार्क्स, अदरवाइज फिर 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। ये होने के बाद मैंने बताया कौन सा, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, 4 मार्क्स इसमें से आपका कवर हो जाता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड 90% चांसेस मैंने बता दिया, देन इसके बाद आपको फीचर्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो कर लेना है, फिर देन टाइप्स ऑफ जो भी मार्केट है उसके, इतना कवर होने के बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चंस बचेंगे वो आप उसकी तैयारी कर लो। अगर पूरा सिलेबस में पूरा क्वेश्चंस आपसे रेडी नहीं हो रहा है, देन आप क्या करो, उसका मीनिंग पार्ट्स एंड पॉइंट्स याद रखो, कि आपने अगर शॉर्ट नोट्स में मीनिंग प्लस पॉइंट्स लिख दिया तो भी इनफ रहेगा आपको, मीन्स कुछ ना कुछ स्कोरिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। बट अगर इकोनॉमिक्स में पासिंग के लिए आप देख रहे हो, मीन्स आपको पास होना है, तो कम से कम एटलीस्ट पहले स्टार्टिंग में आपको लॉ अजम्पशन एक्सेप्शन के साथ करना पड़ेगा, जो मैंने बता दिया फंक्शन करना है, माइक्रो एंड मैक्रो का फीचर्स कर लेना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड रेडी करना है, कंपोनेंट्स, ये सब क्वेश्चंस को पहला देना है। देन अगर आपका ये सब क्वेश्चंस हो जाता है तो ही आप इतना क्वेश्चंस कवर करना, इतना क्वेश्चंस आप कवर कर लेते हो तो आपका शॉर्ट नोट्स इसमें कवर हो जाता है, गिव रीजन भी, मीन्स एग्री एंड डिसएग्री पार्ट भी कवर हो जाता है, एंड शॉर्ट नोट्स भी कवर हो जाता है। मीन्स आप देखोगे 16 मार्क्स का लॉन्ग आंसर, 12 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, 12 मार्क्स का गिव रीजन, 6 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स, इतने क्वेश्चंस आपका इसमें से ही कवर हो जाते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, इसी में से आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे, एग्जाम में आपको सेटअप होंगे। थैंक यू सो मच।